मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। इस समय अयोध्या में स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। अयोध्या में जिस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिस नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हुई है, ये बच्ची 12 साल की नाबालिग बच्ची थी जो अयोध्या में रहने वाली थी। वही अयोध्या जो इस साल जनवरी के महीने में एक तरह से कहे तो चमक रहा था। इसलिए चमक रहा था क्योंकि भगवान राम की नगरी अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम एक बार फिर से अपने गर्भगृह में विस्थापित हुए थे, विराजमान हुए थे। अब उसी अयोध्या में जिस हिसाब से ये काली घटना और इस काली घटना का मंजर सामने आया है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से दिल दहला देने वाला है। उस बच्ची की निर्मम हत्या पूरे देश में अब राजनीति का मुद्दा बनती जा रही है और तमाम पार्टियों के लिए राजनीति का मुद्दा बनती जा रही है, क्योंकि अयोध्या जैसे क्षेत्र में, अयोध्या जैसी आप देखें एक तरह से पावन भूमि पर जिस हिसाब से उस बच्ची के साथ नापाक हरकत की है समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने, अब वही समाजवादी पार्टी जिस समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, अब वही सपा धीरे धीरे अपने स्तर से गिरती जा रही है। समाजवादी पार्टी के जीत दर्ज होने के बाद से ही, लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से ही उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। समीकरण इसलिए भी कहीं ना कहीं बदला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक लंबे समय के बाद जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव तमाम बड़े दांव चलते रहते हैं और इस बार का दांव उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो गया। उन्होंने बड़ा बयान भी दिया, क्या कुछ उन्होंने कहा वो तो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या की हुई ये घटना क्या थी वो जान लीजिए। आपको बता दें आज से 3 महीने पहले इस नाबालिग बच्ची जिसका नाम की अभी तक कहीं ना कहीं ऐलान नहीं हुआ है, जिसके नाम की चर्चाएं तेज नहीं है, लेकिन ये बच्ची 12 साल की नाबालिग बच्ची थी, खेतों में काम करती इस बच्ची को मोइन खान नाम के समाजवादी पार्टी के नेता, जो दरिंदा इस वक्त कहलाया जा रहा है, उस दरिंदे ने और उसके नौकर राजू कुमार ने उस बच्ची के साथ रेप किया, उस बच्ची के साथ कहीं ना कहीं दुष्कर्म किया, जिसके बाद ये घटना जो है वो तूल पकड़ने लग गई। जब उस बच्ची के गर्भवती होने की खबरें आने लगी, उसके परिवार ने इस बात का ऐलान कहीं ना कहीं किया, परिवार ने इस बात का पता लगाया कि बच्ची जो है गर्भवती है और गर्भवती होने का कारण ये है क्योंकि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। और यही समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान, इसके चेहरे का, इनके चेहरे का खुलासा हो चुका है, राजू कुमार जो इनका नौकर है, दोनों ही अब गिरफ्तार है। लगातार मंजर इस बात पर इस समय एक तरह से कहें तो एक तरह से अनुकूल इसलिए हो रहा है क्योंकि अयोध्या जैसी राम भूमि, पवन भूमि पर जिस हिसाब से ये घटना हुई है, अब ये घटना राजनीति का मुद्दा बन चुकी है। अखिलेश यादव जो अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए थे, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए थे, अब अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए इस बयान में कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तीसरा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है, ये कानून किसका संशोधित है, ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा। और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई, वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ, अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लेनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसका, उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। चुनाव से पहले
भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं तीन घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था उस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था वो नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर, बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ उसके कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में जो भी बना दे देना, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार है वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर कोई भी हो, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ उन्होंने एकजुट करने का काम किया, बल्कि उस आगे बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का थोड़ा हाथ भाई नहीं, हाथ नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई। का जीवन भर संघर्ष रहा और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई पर पहुंच के घूम रहा है, उन्होंने अपने जीवन का सादा जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन जो सब लोगों को जोड़ के रखते थे कभी नहीं दूर किया। और हमें याद है कि 5 अगस्त के दिन उनका घर दिल्ली में था, प्रेम लगा हम लोग के बाहर उन्होंने लोहिया के लोगों का लेकर के एक तख्ती लगाई हुई थी, और उस दिन पूरे प्रदेश और देश के लोग उनके घर जाकर के उन्हें बधाई और मुलाकात करते थे। वो ऐसा संगम होता था जहाँ पर साहित्यकार, कवि, इंटेलेक्चुअल या समाज के हर वर्ग के लोग आकर के वहाँ मिलते थे। और समाजवादी नेता जनेश्वर भेष जी के उनके काम और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को जोड़ के रखा, और उसी का परिणाम यह है कि आज भी समाजवादी आंदोलन जीवित है। इसको आगे बढ़ाना आज सबसे बड़ा, जब हम लोग जयेश्वर मिश्र को याद कर रहे हैं, संकल्प लेकर जा रहे हैं समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सुना आपने,
अखिलेश यादव कितना बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार की जो ये घटना है और तमाम जो बड़े नेता हैं जो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, ये मांग सरासर गलत है। यानी सीधे तौर पर अखिलेश यादव इस मांग को खारिज कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तमाम रणनीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के शासनकाल को अपने वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं रणनीति इस मुद्दे को लेकर बना रहे हैं। और आपको याद दिला दें, हाल ही में यूपी की विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ ने बड़े बयान दिए थे, उनके बयान कहीं ना कहीं सुर्खियों में थे और मोइन खान को सीधी धमकी योगी आदित्यनाथ देते नजर आ रहे थे। फिलहाल अब अखिलेश यादव के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज। धन्यवाद।